इस वीडियो के अंदर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, उसमें से एमडी कैट के पास्ट पेपर एमसीक्यूज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड का क्या मतलब है। यहाँ पर आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। आपको पता है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको कीटोन कहा जाता है। लेकिन एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन का अटैच होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब जो आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड के केस में एक तरफ तो हाइड्रोजन ज़रूरी होगी, लेकिन दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, या फिर बेंजीन या कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है। तो अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आप होमोलोगस सीरीज से, ये जो ऑप्शन नीचे गिवन है, इनमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। होमोलोगस सीरीज़ को आप एलिफैटिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे या तो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगी, तब आप उसको कहेंगे कि ये एलिफैटिक एल्डिहाइड या होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाला एल्डिहाइड है। अगर इसकी जगह पे कोई और ग्रुप अटैच हो, बेंजीन हो जाए, तो वो एलिफैटिक नहीं रहेगा, वो बेंज एल्डिहाइड अरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, या कोई और ग्रुप अटैच हो जाए तो वो एलिफैटिक सीरीज़ में या होमोलोगस सीरीज़ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन को देखना है जब आप होमोलोगस या एलिफैटिक की बात करें होंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले अल्फा ऑप्शन के ऊपर आप गौर करें, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच नज़र आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और उसके साथ आपको हाइड्रोजन अटैच नज़र आ रही है, ये करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोजन या अल्काइल, अल्काइल से मुराद मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल या कोई भी लंबी चेन हो सकती है, तो वो सारा का सारा एलिफैटिक के अंदर आएगा, तो ये उस कैटेगरी से हो सकता है। चार्ली को देखें, तो उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके साथ आपको NH2 अटैच नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा के अंदर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ आपको मुख्तलिफ ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, जिसके अंदर आपको दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच नज़र आ रहे हैं, इसको फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं। क्वेश्चन टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कीटोन। तो कीटोन के हवाले से भी मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी दोनों साइड्स पे आपको अल्काइल ग्रुप अटैच नज़र आएगा। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन है, उसके अंदर आपको इस कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखें, तो कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स पर आपको अल्काइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, ये करेक्ट हो सकता है। चार्ली के अंदर देखें, तो कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर अल्काइल ग्रुप है, लेकिन दूसरी साइड पर NH2 है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर एक साइड पर अल्काइल है, लेकिन दूसरी साइड पर मुख्तलिफ ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, जिसमें आपको दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है। क्वेश्चन थ्री है, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लेनर टू द नाइबरहुड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डिसऑर्डर्ड टूवर्ड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और इसकी दोनों साइड्स पे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन, अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी तौर पे हो तो वो एल्डिहाइड होगा। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपने याद रखना है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, मींस के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन की निस्बत इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी ऑक्सीजन की तरफ डिसॉर्शन हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सब क्यों हो रहा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं। अल्फा ऑप्शन है, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको बात कर दी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की डिसॉर्शन होती है, वही ऑक्सीजन की तरफ डिसॉर्टेड होते हैं। बाकी सिग्मा बॉन्ड इसलिए नहीं हो सकता, उधर आपको पता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो उधर इतना इजी नहीं होता। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन लूजली मौजूद होते हैं और वो इजीली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ उनकी डिसॉर्शन हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा होगी, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन फोर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयोपिक नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और इसका आयोपिक नेम पूछ रहा है। यहाँ पर आप गौर करें तो ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड है। अब कौन सा एल्डिहाइड है, ऑप्शंस पे गौर करें। पहले में कहता है कि प्रोपेन एल्डिहाइड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। बीटा है, मैथानोन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि नॉन एंड पे आने का मतलब कीटोन की बात हो रही है, लेकिन ये एल्डिहाइड है। चार्ली के अंदर देखें तो एसेट एल्डिहाइड में दो कार्बन होती हैं, इसमें आपको एक ही कार्बन नज़र आ रही है। और डेल्टा मैथानल,
तो ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन आपको नज़र आ रही है और ये एल्डिहाइड है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। इसके अलावा याद रखिएगा कि कीटोन के एंड पे आपको नॉन का लफ्ज़ मिलेगा, जिस तरह से प्रोपानोन, ब्यूटानोन, ठीक है, तो ये एंड पे होता है। और एल्डिहाइड का जो एपिक नेम है उसमें एंड पे आपको नल का लफ्ज़ मिलेगा, मैथानल, एथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, तो ये एंड पे नल आने का मतलब एल्डिहाइड है। और मैथ यहाँ पे मीथेन से निकला है, मतलब इसके अंदर एक ही कार्बन आपको नज़र आएगी, तो ये डेल्टा करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद NaBH4। तो ये चीज़ मैं आपको पीछे अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में एल्डिहाइड बनता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनता है। अब अगर ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रहा है, तो अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दें तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवा दें तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, NaBH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिडक्शन करवाता है। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपने फॉलोइंग में से वो कंपाउंड देखना है कि जिसको आप NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाए। NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब आप उसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, तो आप किसकी रिडक्शन करवाएंगे तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वो आपको पता है कि कीटोन की रिडक्शन होने से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब ऑप्शंस के अंदर आप ढूंढें कि कीटोन आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का है, ये तो हो नहीं सकता। बीटा को देखें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और उसकी दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है, तो ये कीटोन है। ये करेक्ट हो सकता है कि अगर आप इसको रिएक्ट करवा दें NaBH4 के साथ तो इसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। चार्ली को देखें तो इसके अंदर आपको एसिड का फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से एक साइड पे मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, तो एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी कि इसकी कीटोन की आप रिडक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन 6 है, एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो अभी बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तब वो कह रहा है कि एल्डिहाइड को सिंथेसाइज करना है तो किस चीज़ की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी, प्राइमरी अल्कोहल की। क्वेश्चन 7 है, इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइलिन इनटू एसिटाल्डिहाइड क्यूप्रिक क्लोराइड एक्ट एज। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन का, इसमें आप इथाइलिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और इसमें पलाडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। क्वेश्चन 8 है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कैल्शियम साल्ट है फॉर्मिक एसिड का और ये कैल्शियम साल्ट है एस्टिक एसिड का, तो जब आप इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इसके नतीजे में कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, एसिटाल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि इनकी ड्राई डिस्टिलेशन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्वेश्चन 9 है, Na2Cr2O7 व्हाट द प्रोडक्ट विल बी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेम कंडीशन। सोडियम डाइक्रोमेट, इसका आपको पता है कि आप ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाई है तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनेगी। इस पर भी बात हो चुकी कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट गिव्स कीटोन। तो ये पूछ रहा है कि उस अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताएं कि जिसकी अगर एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो उसके नतीजे में कीटोन बने। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो आपने फॉलोइंग में से कौन सा स्ट्रक्चर देखना है जो सेकेंडरी अल्कोहल का हो। अल्फा ऑप्शन पे गौर करें तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं ज़रा ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये कार्बन है, ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और इसके अलावा इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे आपको बेंजीन अटैच नज़र आ रही है। अब आप गौर करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, कि ये CH3 वाली कार्बन, दूसरी यहाँ बेंजीन की कार्बन। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बीटा के ऊपर गौर करें तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये फिनोल की कैटेगरी में आता है। चार्ली ऑप्शन को देखें
तो उसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी है। और डेल्टा को देखें तो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे तीन कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा ही होगी कि जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल आपको नज़र आ रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाएगा। क्वेश्चन 11 है, आ स्टूडेंट मिक्स इथाइल अल्कोहल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड एड इट इन टू द हॉट सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अ विग्रस रिएक्शन टुक प्लेस, ही डिस्टिल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, व्हाट वाज द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया गया है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। आपको पता है कि सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मींस के इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की गई है और उसके बाद उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट निकाली गई है। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि CH3 CH2 और इसके साथ आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आएगा। तो अब इसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की दरअसल यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है। तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने से एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनती है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो अब यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यानी दो कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है तो उसके नतीजे में दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शंस के अंदर देखें, अल्फ़ा ऑप्शन में एसीटोन इनकरेक्ट है, ये तो कीटोन है। बीटा एस्टिक एसिड, एसिड तो बन नहीं सकता। चार्ली डाइमिथाइल ईथर, ईथर भी एज अ प्रोडक्ट नहीं आएगी। और डेल्टा एसिड एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड भी आपको नज़र आ रहा है और एसिड एल्डिहाइड दो कार्बन वाला एल्डिहाइड जो दो कार्बन वाले इथाइल अल्कोहल से बना है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 12 है, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई गई है पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को इस्तेमाल करके। आपको पता है अभी बात की कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके नतीजे में यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा और उस एल्डिहाइड की फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होगी तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये स्टार्ट में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बताया था कि हाइड्रोकार्बन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है और एसिड को फर्दर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट आएगी। तो ये वही सीरीज़ आपको नज़र आ रही है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, उससे एल्डिहाइड बना और उसके बाद उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो वो यहाँ पे पूछ रहा था कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बनी थी, यहाँ पे एल्डिहाइड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी। क्वेश्चन 13 है, टू प्रोपानोल ऑन ऑक्सीडेशन गिव। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि टू प्रोपानोल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्रोपानोल है तो तीन कार्बन इसके अंदर आपको नजर आएंगी और टू प्रोपानोल है तो कार्बन टू के ऊपर आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा। तो अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहाँ पे टू प्रोपानोल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 14 है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू डिस्टिल एल्डिहाइड फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल थ्रू एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अल्फा ऑप्शन है, एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज अनस्टेबल एंड डीकम्पोज्ड बैक टू ओरिजिनल प्रीकर्सर। बीटा, एल्डिहाइड फॉर्म्ड में रिएक्ट विद द प्राइमरी अल्कोहल द ओरिजिनल रिएक्टेंट। चार्ली, एल्डिहाइड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कीटोन। या फिर डेल्टा, एल्डिहाइड फॉर्म्ड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि एल्डिहाइड फॉर्म्ड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो एल्डिहाइड आप बना रहे होते हैं वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो, इसलिए उसकी डिस्टिलेशन ज़रूरी होती है। क्वेश्चन 15 है, कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो शुरू से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल होगी। क्वेश्चन 16 है, व्हेन एसीटोन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। तो यहाँ पे वो एसीटोन यानी कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को इस्तेमाल करके। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो उससे आगे एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, यहाँ पे एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उसके नतीजे में एक एस्टिक एसिड बनता है और दूसरा फॉर्मिक एसिड बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, एस्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन।